केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा न सिर्फ राजनीतिक वजहों से बल्कि बीजेपी के मिशन 2024 की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दो दिवसीय दौरे पर तमाम राजनीतिक निगाहें लगी हैं इस नजरिए से, क्योंकि मिशन 2024 के मद्देनजर बीजेपी लगातार रणनीति बनाने में जुटी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के इस दौरे के जरिए एक बड़ा राजनीतिक मैसेज दे रही है। न सिर्फ विकास के एजेंडे को पूरा करने का वादा, बल्कि जिस तरीके से हाल के दिनों में उन राज्यों में पहुंच बढ़ाने की कोशिश बीजेपी ने की है जिन राज्यों में वो सत्ता में नहीं है, बाहर हैं या फिर लंबे समय से वहां पर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं, उसमें केरल एक महत्वपूर्ण राज्य है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण राज्यों का दौरा किया है और ये एक राजनीतिक जमीन मजबूत करने की बड़ी कवायद माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल को न सिर्फ विकास की सौगात देने वाले हैं, वंदे भारत पहली केरल की ट्रेन होगी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे, इसके अलावा वो वाटर मेट्रो भी लॉन्च करने वाले हैं कोची में, इसके अलावा भी कई विकास योजनाओं की सौगात मिलेगी। इस वक्त हम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में शामिल हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसी के साथ राजनीतिक वजह से भी केरल का दौरा प्रधानमंत्री का काफी चर्चित माना जा रहा है, लिहाजा इसके जरिए मिशन 2024 को साधने की कवायद यहाँ पर लगातार बीजेपी की ओर से, और इसीलिए केरल में खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी राजनीतिक वजह से चर्चा भी बनी हुई है, तो ये दौरा प्रधानमंत्री का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, तिरुवनंतपुरम, केरला।